नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार में घायल होने के बाद राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस मामले में टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर रविवार को आयोग ने विशेष बैठक बुलाई, जिसके बाद नंदीग्राम मामले में ईसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सीएम ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर को पद से हटा दिया है। इसके अलावा ईस्ट मिदनापुर के डीएम और एसपी पर एक्शन लिया गया है। डीएम विभू गोयल को तत्काल प्रभाव से तबादला कर गैर चुनावी पद पर तैनात कर देने के निर्देश दिए गए हैं। गोयल की जगह 2005 बैच के आईएएस अधिकारी स्मिता पांडे लेंगी। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद रखने में नाकाम पाए गए ईस्ट मिदनापुर के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी प्रवीण प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रवीण की जगह 2009 बैच के आईपीएस सुनील यादव कमाल संभालेंगे। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को ये आगाह किया है कि सीएम ममता बनर्जी के मामले में दर्ज एफआईआर की जांच निर्णायक हो, साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों कर्मियों को सख्त सजा मिले। आयोग ने पंजाब के खुफिया विभाग के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार शर्मा को स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर बनाया है। शर्मा राज्य के विधानसभा चुनाव का इंतजाम देखने वाले दूसरे स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर होंगे। अब तक आयोग ने पूर्व आईपीएस अधिकारी विवेक दुबे को स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर बनाया हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।